हेलो, गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग यमी मम्मी। कैसे हैं आप लोग सब? अभी आज मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है ब्लू हेवन के दो काजलों के बारे में, जो कि लाइनर कम काजल है। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द काजल वीडियो। तो मैं जिस काजल का आपको काजल के बारे में बताने जा रही हूँ, ये मुझे ऐसे रिसीव हैं। ये तीन चार शेड्स में आते हैं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू एंड ग्रीन। तो अभी मुझे आज ये देखिए अभी भी सील्ड हैं, ये ब्लू और ग्रीन मुझे आज रिसीव हुए हैं। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और ये मुझे 130 रुपीज़ का मिला है। ये मैंने अमेजोन से लिया था, आप किसी भी साइट से ले सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो ये इसमें लिखा है, देखिए इसमें लिखा है 130 रुपीज़। ये ब्लू हेवन का 24 अप टू आवर स्टे, मैंने ये दावा करता है कि ये 24 घंटे जो है ये आपकी आंखों पे लगा रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने काजल नहीं लगाया है और ये वन स्ट्रोक में बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है। इसमें ये वाटर प्रूफ है कि नहीं, वाटर प्रूफ है और स्मच प्रूफ है। स्मच प्रूफ यानी कि ये अगर आप ऐसे मिटाएंगे तो ये मिटेगा नहीं। और इसमें एलोवेरा है जो आपकी आंखों को ठंडक भी देगा, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट जिंक को एक्सट्रैक्ट भी है। तो ये 2x इंटेंस ट्रू ब्लू काजल है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें फ्री शार्पनर मिलता है, जिससे आप इसको शार्पन कर सकते हैं। जब यूज करते करते उसका जो पॉइंटेडनेस खत्म हो जाता है, तो आप इसको शार्पन करेंगे तो आपका ब्लंटनेस खत्म होकर आपको फिर से ये शार्प जो है वो ब्रिसल देगा। तो इसमें 0.35 ग्राम जो है वो आपको नेट कंटेंट मिलेगा, और इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 36 मंथ, यानी कि 3 साल तक की है। उससे पहले ही लोग लगा के ख़त्म कर देते हैं। तो मैं आपको, ये है ब्लू वाला, मैंने आपको बताया ये 0.35 ग्राम्स का है, और ये वाला जो है ये है ग्रीन, ग्रीन क्वीन काजल इसका नाम है, इसका नाम है ट्रू ब्लू। तो मैं आपको एक आंख में ब्लू लगा के दिखाऊंगी और एक आंख में आपको मैं ग्रीन लगा के दिखाऊंगी, और आप बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। और आप मेरा वीडियो देख के अच्छे से समझ पाएंगे। आपको यूट्यूब में बहुत वीडियो दिखते होंगे, लेकिन इतने अच्छे से, इतने प्रिसाइसली आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। मैं आपको आपके सामने ही, देखिए इसका सील खोल रही हूँ, ये देखिए मैंने आपके सामने इसको खोला। अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। इसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत देखा है कि काफ़ी अच्छा है और बहुत सस्ता भी। अगर आप बजट फ्रेंडली कोई लाइनर कम काजल चाहते हैं और कलर्स के साथ आप प्ले करना चाहते हो, तो आप इसको ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ब्लू वाला खोल लिया है और मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, और ये देखिए पीछे शार्पनर मिलता है, इससे मैं आप इसको शार्पन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी क्यूट लगा मुझे, इसको आप यूँ लगा लीजिए जब आपको नहीं चाहिए। और ये ब्लू काजल है, और इसका एक क्वांटिटी मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी है। ये देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ दोस्तों, ये देखिए एक ग्लाइड में ये कितने अच्छे से लग जा रहा है। ये देखिए काफ़ी अच्छा ब्लू है ये, और इसमें वैक्स जो है वो भी बहुत अच्छा है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी दोस्तों, अगर आपको बहुत अच्छा और डार्क इंटेंस काजल चाहिए तो आप, और सस्ते में चाहिए तो आप ये ब्लू हेवन वाला लीजिए। ये 130 रुपये का है, पर दोनों मुझे शायद और सस्ते में मिला था। कुछ दिनों पहले मैंने मेरे चैनल पे आपको स्विस ब्यूटी का काजल का मैंने रिव्यू किया था, और मैं आपको बेशक कह सकती हूँ कि ये उससे ज़्यादा अच्छा है। हालांकि वो जेल लाइनर कम काजल था, पर ये उससे अच्छा है। ये देखिए ब्लू, ये देखिए मैंने इस आंख में ब्लू वाला लगा लिया, आप अच्छे से देख सकते हैं। एक ग्लाइड ने लगाया, मुझे बार बार रगड़ना भी नहीं पड़ रहा है। और आप चाहे तो उसको ऊपर भी लगा के ब्लू एक विंग लाइनर भी जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ दिनों में मुझे ब्लैक वाला भी रिसीव होगा, तब मैं ब्लैक वाला लगा के आपको दिखाऊंगी कि वो मेरी आंखों में कैसा लग रहा है। अब मैं आपके सामने ब्लू वाला मैंने लगा के दिखा दिया दोस्तों, देखिए कुछ इस तरीके से लगता है, काफी सुंदर है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है। और सबसे अच्छी बात है कि ये प्लास्टिक का है, तो ये गिरेगा तो टूटने की भी कोई चांसेस नहीं है। जब आपको इसको शार्पन करना हो तो पीछे से आप शार्पनर को यूं निकालिए, और यूं निकालिए उसको शार्पन कर लीजिए। जब मुझे शार्पनर करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगी, तब मैं उस पर अलग वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी दोस्तों। और अब ये मैं आपके सामने ग्रीन वाले की जो सील है इसे खोले, ये ब्लू वाला आप देख लीजिए मेरे आंखों में। आप इसको एज अ लाइनर भी लगा सकते हैं, एक बार में लग जाता है और 24 आवर्स, अप टू 24 आवर्स ये क्लेम करता है कि आंखों में स्टे करेगा। और ये स्मच प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है। ये देखिए ग्रीन वाला कुछ ऐसा है, इसका नाम है ग्रीन क्वीन। अब मैं ग्रीन वाला आपको लगा के दिखाती हूँ दोस्तों, इसके पीछे भी एक शार्पनर दिया है। ये देखिए मुझे अभी तक तो बहुत अच्छा लगा, ये ब्लू वाला तो बहुत सुंदर लगा। अब मैं ग्रीन वाला लगा के आपको दिखाती हूँ दोस्तों, ध्यान से मेरा वीडियो देखिए। ये देखिए
ये भी एक बार भी देख लीजिए, एक ग्लाइड मैंने किया और ये कितने अच्छे से मेरी आंखों में, मेरी आंखों को इसने ब्यूटीफाई कर दिया, एक्सेंचुएट कर दिया है। ये देखिए, और ये ग्रीन वाला है, देखिए इसकी भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा ही खोल के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से क्लोजअप लुक दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, मैंने और कोई मेकअप नहीं किया, सिर्फ काजल का ही मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये ब्लू वाला है और ये ग्रीन, राइट में मैंने ग्रीन वाला लगाया है और इसमें मैंने ब्लू वाला। आपको जो अच्छा लगता, अच्छा लग रहा है, अगर आप कोई भी स्किन टोन के, मीडियम टू डार्क, फेयर, वेरी फेयर, तो ये आपके ऊपर जरूर अच्छा लगेगा। और इसको आप चाहे तो अपने ड्रेस के साथ ही मैच कर सकते हो, और ऐसे भी आप इसको लगा के जा सकते हैं, आप इसे एज अ लाइनर भी लगा सकते हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले लीजिए। मेरे को दो आज रिसीव हुए हैं, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ब्लू हेवन की तरफ से दोस्तों, ये मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा है ये काजल। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो पसंद आया, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लू लाइनर और ग्रीन लाइनर कम काजल ब्लू हेवन का कैसा लगा। और कोई नया वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे आप कमेंट डाउन करके बोल सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय, लव यू, सी यू, चाओ।